देखिए, सारे बच्चों को पता है जो नीट के सीरियस एस्पिरेंट है या नॉन सीरियस एस्पिरेंट है कि एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नीट। पिछले कई सालों से बायोलॉजी के, फिजिक्स के, इवन केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि पता होने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है? हम ये जानते हैं कि इसी से सवाल आएगा, इसी बुक से सवाल आएगा, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे यही कारण है कि हमें एनसीईआरटी पढ़ने की कला नहीं पता है। एनसीईआरटी को कैसे रीड करते हैं, उसके कंसेप्ट को कैसे समझते हैं, और उसके कंसेप्ट को लंबे वक्त तक कैसे याद रखते हैं, और उस पर आधारित क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं, ये कला से हम वंचित हैं। इस कला के बारे में अनुभव नहीं है। तो पता होने के बाद भी हम सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। आज इस वीडियो में आज ऐसी कला का आप प्रदर्शन देखेंगे, ऐसी कला को सीखेंगे जिससे अपना के आप नीट 2024 और 25 में मचा सकते हैं। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको मैं एनसीईआरटी पढ़ के सामने सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे इसको ग्रैब करना है, कैसे इसको यूटिलाइज करना है। यहां पे मैं एनसीईआरटी के एक दो लाइन पढ़ूंगा और आप ऐसे ही ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहां पे देखिए लिखा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव रिच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जब भी फुल स्टॉप आए तो हमें रुक जाना है। देखिए, एक एक लाइन से, एक एक शब्द से क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी से, ये आपको पता है। तो अगर आप खटाखट पढ़ना शुरू करेंगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब भी फुल स्टॉप हो वहां रुकिए और इस स्टेटमेंट को एनालाइज करिए। ये कला आपको आने चाहिए। इस स्टेटमेंट को खुद से एनालाइज करिए और सोचिए कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ। जितने भी ऑर्गेनिज्म है एक सर्टेन ग्रोथ उनका होता है, उसके बाद कुछ होता है, एंड मेच्योरिटी इन देयर लाइफ, और उनके लाइफ में भी एक मेच्योरिटी आती है, और दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। और मेच्योरिटी जब आती है तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगता है। तो इस स्टेटमेंट को आपने, मैं दोबारा पढ़ा और दोबारा थोड़ा और क्लियरिटी थोड़ी और इम्प्रूव हो गई मुझे कि हाँ, ऐसा होता है कि हर ऑर्गेनिज्म में एक सर्टेन स्टेज के बाद ग्रोथ होता है और उसके बाद उसको ग्रोथ और मेच्योरिटी होता है और फिर वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब तीसरी बार जब मैंने पढ़ा तो और बेहतर तरीके से क्लियरिटी हो गई और सोची कि इस लाइन को मैंने अगर 5 बार पढ़ लिया तो कितना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भले ही एक चैप्टर को पढ़ने में समय लगाइए, बट मेरा दावा यह है कि अगर आप इस तरीके से पढ़ लेंगे तो वो चैप्टर आपका हो जाएगा। तो इसलिए इस लाइन को कम से कम 3 बार पढ़ना है, क्योंकि इस लाइन के बाद इसी से रिलेटेड शब्द हैं। अब देखिए, दूसरा लाइन करा है, इस दूसरे को मैं दूसरे कलर से मार्क करूंगा ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए कि दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। इस पीरियड को, जिस पीरियड में उसका ग्रोथ होता है, रिप्रोड्यूस होता है, उसको हम जुबेनाइल फेज कहते हैं। हर ऑर्गेनिज्म, अब देखो इस लाइन को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि हर ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में ग्रोथ और रिप्रोड्यूस करता है एक सर्टेन एज के बाद, और उस पीरियड ऑफ ग्रोथ को जुबेनाइल फेज कहते हैं, और इसको हम वेजिटेटिव फेज प्लांट के अंदर कहते हैं। यानी जुबेनाइल फेज एनिमल और प्लांट में ये वेजिटेटिव फेज होता है। तो अगर मैं, आपने देखा कि कितना मिनट हो गया, 3 से 4 मिनट हो गया इस लाइन को पढ़ने में। देखिए, समय देना पड़ेगा। अगर आप महल बनाना चाहते हैं और उस महल को पूरे विश्व में नंबर 1 करना चाहते हैं तो उस महल बनाने में समय लगेगा। अब ताजमहल इतना फेमस क्यों है? क्योंकि उसके अंदर भाई समय लगा है। समय जिस चीज में लगा दोगे ना, समय जिस चीज में लगा दोगे वो परफेक्शन आ जाएगा। इसलिए अगर आप पढ़ने में अच्छे से समय लगा देते हो तो उसमें परफेक्शन आ जाएगा। तो ऐसे अगर आप नीट के लिए, बायो के लिए या किसी भी बुक के लिए पढ़ते हैं तो आप पढ़े हुए चीजों को लंबे वक्त तक रिटेन कर सकते हैं। ये मार्क करके मैंने दिखाया आपको, जरूरी नहीं है मार्क करना है, ठीक है, समझ समझ के पढ़ना है। हो सके कि आप एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़िए, दैट्स गुड। दूसरी बार जब आप रिवीजन करेंगे ना तो समय बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। तीसरी बार अगर रिवीजन करेंगे तो और रिड्यूस हो जाएगा। हमारे साथ क्या होता है कि जितना बार रिवीजन करते हैं उतना टाइम ही लगता है।
मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने पहला टाइम फर्स्ट टाइम रिवीजन किया, अगर मान लीजिए कि हमने फर्स्ट टाइम रिवीजन किया है ना, पहले है ना चैप्टर को रीड किया और लेट सपोज उसमें 2 आवर्स लग गए, तो सेकेंड टाइम में है ना, फर्स्ट टाइम अगर हुआ तो सेकेंड टाइम में भी उसे रीड करने में 2 ही घंटा लगता है या 1 घंटा 45 मिनट ही लगता है, ऑलमोस्ट बराबर है। बट रिवीजन का रूल ही होना चाहिए कि अगर आपको 2 घंटा लगता है तो ये 30 मिनट्स में आपको रिवाइज हो जाए, बट ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि हम उस लेवल से पहली दफा पढ़ते ही नहीं है। तो अपने पढ़ने का अंदाज को बदल दीजिए, सिलेक्शन 100% होगा। वीडियो कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और आपके कमेंट का इंतजार मुझे रहता ही है। और चैनल में पहली दफा आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।